गुजरात के पाटीदार आंदोलन से विख्यात हार्दिक पटेल को मध्य प्रदेश के उज्जैन में विरोध का सामना करना पड़ा। आने वाले चुनाव में वह भाजपा के खिलाफ प्रचार करने मध्य प्रदेश गए हुए हैं। वहां पर कथित गुर्जर समाज के राष्ट्रीय सचिव ने हार्दिक पटेल पर स्याही फेंक कर हंगामा खड़ा कर दिया। इस मामले में हार्दिक के समर्थकों ने उसकी जमकर पिटाई की। खुद को गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय सचिव बताने वाले एक शख्स ने शनिवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन में पाटीदार आंदोलन नेता हार्दिक पटेल के ऊपर स्याही फेंक दी। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें स्याही फेंकने वाला शख्स हार्दिक पटेल को मध्य प्रदेश में नहीं रहने की धमकी दे रहा है। वीडियो में नजर आ रहा शख्स को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इससे पहले हार्दिक के समर्थकों ने उसकी खूब पिटाई की। ये गुर्जर समाज को सिर्फ बरगलाता है और गुर्जर समाज अति पिछड़ी समाज है। गुर्जर समाज अति पिछड़ी समाज होने के कारण ये उनका गलत फायदा उठाता है। राजस्थान में ये गुर्जर बन जाता है, गुजरात में पाटीदार बन जाता है, साउथ में जाता है कम्मा रेड्डी बन जाता है। पहले तो हार्दिक पटेल से ये पूछिए आप लोग मीडिया के माध्यम से, तो है किस समाज का, गुर्जर है या पाटीदार है या कम्मा रेड्डी है, क्या है? और समाज को बरगलाने का काम करता है सिर्फ ये। सरदार पटेल को लेके ये राजनीति करता है। सरदार पटेल, मेरे पास पूरे पुख्ता प्रमाण है कि सरदार पटेल गुर्जर हैं और ये पाटीदार बना बताता है उनको। इस बात को लेकर मैं काफ़ी समय से आहत था, जो आज मैंने भड़ास निकाली, मैं आज खुश हूँ इसके साथ ऐसा बता करके। दरअसल पाटीदार नेता हार्दिक उज्जैन के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां शख्स ने उनके ऊपर नीली स्याही फेंक दी थी, जो उनके चेहरे के साथ शर्ट पर फैल गई। हार्दिक पटेल इन दिनों अपने मध्य प्रदेश के दौरे के तहत किसानों से मुलाकात कर रहे हैं। हार्दिक पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश चुनाव में उनका समर्थन कांग्रेस को होगा। शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती है तो वह इसका विरोध नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अगर एक सिगरेट पीने से कैंसर होता है, अगर एक सिगरेट पीने से अपना शरीर हानिकारक होता है, तो गलत नेता जब हमारे पर राज करता है, गधे जैसा नेता, तो 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए वो हानिकारक है। तो मैं चाहता हूँ कि अच्छे नेता को वहाँ भेजना चाहता हूँ और वहाँ जाकर गंदगी हटाए और लोगों की सेवा करे। वो करने का प्रयास काम मैं पूरे दिल से करूँगा। कोई रोकने का प्रयास करेगा या फिर हमें कोई परेशान करने का प्रयास करेगा तो वो भी तैयारी रखे, क्योंकि अगर मैं दो दादी वाले गुंडे से लड़ सकता हूँ तो मामा से लड़ने की औकात भी रखता हूँ और हैसियत भी रखता हूँ। जो लोग कहते हैं आज उनका स्थापना दिन है, जो लोग मंदिर बनाने की बात कहते आज उनका स्थापना दिन है, लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि अभी तक उनका मंदिर नहीं बना। जिन लोगों ने पार्टी बनाई थी मंदिर के नाम पर, अभी तक उन्होंने मंदिर नहीं बनाया। तो मेरा तो स्वाभाविक है कि अगर इस प्रदेश के अंदर आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है कि हमने गोरों से आज़ादी क्यों ली थी, ताकि हम स्वतंत्र रह पाए। चोर आकर बैठ गए, गोरों से आज़ादी लिए चोर आकर बैठ गए, और रियासतें कैसी अच्छी चलती थी, किसी को अन्याय नहीं होता था। अगर मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि अगर ज्योतिराज सिंधिया जी अगर यहाँ प्रमोट होते, अगर उनको आगे किया जाता है, तो 100% हम उनके साथ हैं, उनका विरोध भी नहीं करेंगे, भाजपा को हराने।